फरासिया में आरएसएस का पथ संचलन निकला, जिसमें बच्चे से लेकर सभी उम्र के लोग शामिल हुए। जगह जगह पर फूलों से पथ संचलन का स्वागत किया गया। इस विराट पथ संचलन को लेकर क्षेत्रीय आरएसएस प्रमुख ने बताया कि संघ का उद्देश्य राष्ट्रीय सेवा के लिए लोगों को तैयार करना है। आरएसएस का यह पथ संचलन परासिया के नगर में भ्रमण करते हुए पेंच वैली ग्राउंड पहुंचा, जहां इसका समापन किया गया। जगह जगह पर लोगों ने फूलों से इसका स्वागत किया। क्षेत्र के आरएसएस प्रमुख ने कहा कि आरएसएस का मुख्य उद्देश्य गांव से लेकर शहर तक ऐसे युवाओं को तैयार करना है जो देश सेवा में अपना योगदान दे। संघ की स्थापना 1925 में हुई थी और 2025 में इसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस विराट पथ संचलन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए। इस तरह के 2-3 वर्षों में या वर्ष में एक बार हम एक बड़ा कार्यक्रम करके और अधिक संख्या में स्वयंसेवकों को जोड़ करके, ये जैसा संघ चाहता है कि गांव-गांव तक देशभक्त नागरिक तैयार हों और समाज सब समस्याओं का समाधान बने, इसी उद्देश्य को लेकर संघ कार्य कर रहा है। और संघ का जैसा 1925 में स्थापना हुई थी और 2025 में संघ के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो सभी गांव तक देशभक्त नागरिक तैयार हों और गांव की समाज की जो समस्याएं हैं उनका समाधान स्वयंसेवक स्वयं बने, इसी उद्देश्य को लेकर के संघ इस राष्ट्रीय और देशभक्ति के कार्य में लगा हुआ है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में।